नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज एक सवाल मैं अपनी जनता से पूछना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो नरेंद्र मोदी देश से छुपा रहे हैं। मैंने जानबूझकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नाम लिया है क्योंकि इस सरकार के अंदर उनके इशारे के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता। जब परिंदा भी पर नहीं मारता तो इसका मतलब साफ है कि 31 अगस्त को जो सरकार की तरफ से जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया कि स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में, लेकिन उसका एजेंडा नहीं बताया गया। और अभी भी जब सारा विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आखिर आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं यानी विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो उसमें उसका एजेंडा क्या है, किस वजह से बुला रहे, क्या कारण है, क्या बहस होगी, कौन सी चर्चा होगी, इसका खुलासा करिए। लेकिन इसका खुलासा सरकार नहीं कर रही है क्योंकि यह प्रश्न प्रहलाद जोशी से रिलेटेड है ही नहीं, यह प्रश्न सरकार से संबंधित है। और अगर सरकार से संबंधित तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के अलावा एक दो और लोगों को इस बात की जानकारी हो सकती है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा, इसलिए उनसे ये सवाल पूछना उचित होगा आखिर कौन सी वो चीज है जो देश से छिपा रहे हैं। ये मुद्दा काफी गर्मी पकड़ चुका है, इतनी गर्मी पकड़ चुका है कि सोनिया गांधी जो विपक्ष की नेता है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में 9 मुद्दों का जिक्र किया है और कहा है कि इन 9 मुद्दों के ऊपर सरकार को चर्चा करानी चाहिए। उन्होंने ये भी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हम आपसे बार आपने स्पेशल सेशन बुलाया है, विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन विशेष सत्र बुलाने के बावजूद भी हमें यह नहीं पता, नाम से किसी तरीके का कंसल्टेशन किया गया है कि दरअसल ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है, कौन सी चीजें इसमें चर्चा होंगी। सोनिया गांधी ने जब ये चिट्ठी लिखी तो सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने एक तरीके से उनके ऊपर टॉन्ट कसा और उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा, जब जरूरत आएगी तो हम आपको बता देंगे। वैसे भी जब सेशन बुलाया जाता है तो उस सेशन बुलाने के पहले किसी तरीके से विपक्ष से कंसल्टेशन नहीं किया जाता, तो आपको तो कम से कम संसदीय कानून और नियमों की जानकारी होनी चाहिए। यानी बजाय सोनिया गांधी के पत्र का एक जवाब देते हुए ये बताने की जगह कि दरअसल हम किस लिए विशेष सत्र को बुला रहे हैं, उल्टे उनके ऊपर ही टॉन्ट कस दिया गया कि आपको शायद संसदीय प्रणाली की या संसदीय नियम कायदों की जानकारी नहीं है। अब इसी से यह सवाल पैदा होता है कि क्या है जिसकी पर्दादारी है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है या एक जिद है कि हम आपको नहीं बताएंगे। वैसे ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं ये सोनिया गांधी की वो चिट्ठी है जो दरअसल लिखी, दरअसल उसका दूसरा पार्ट पहले आ गया, पहला पार्ट बाद, ये पहला पार्ट है जो लिखा है, पहला पृष्ठ है जिस पर उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है। वैसे हम आपको बता दें कि संसद का जो सत्र होता है वो अमूमन 3 संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। बजट सत्र होता है जो सबसे लंबा सत्र होता है, उसके बाद मानसून का सत्र आता है और मानसून सत्र के बाद आता है शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र अमूमन 3 हफ्ते तक के माने जाते हैं ऑन एन एवरेज। इसके साथ साथ एक और जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि जो विशेष सत्र बुलाया जाता है वह किसी विशेष प्रावधान के तहत या किसी विशेष मंशा के साथ बुलाया जाता है। अब तक तकरीबन मेरी मेमोरी अगर काम कर रही है तो कम से कम 9 विशेष सत्र बुलाए गए हैं, जिनमें से 4 ऐसे हैं जो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1972, 9 अगस्त 1992 और 15 अगस्त 1997। ये वो है, 15 अगस्त जाहिर सी बात है आज देश की आज़ादी का पर्व था, 15 अगस्त 1972 25 साल पूरे होने पे था, 9 अगस्त 1992 जब अगस्त क्रांति यानी जो क्विट इंडिया मूवमेंट था 50 साल किया गया था, और 15 अगस्त 1997 यानी जब देश को आज़ाद हुए 50 साल हुए थे, एक तरीके से गोल्डन जुबली या आप कहें उसको मनाया। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 2 ऐसे वाक्य हैं जिनको हम कह सकते हैं विशेष सत्र बुलाया गया था। एक था एक जो सत्र था वो दरअसल 2015 में बुलाया गया था। 2015 में जो सत्र बुलाया गया था वो 26 नवंबर यानी संविधान दिवस मनाने के लिए था। दूसरा 2017 में GST के संबंधित था और देर रात मिडनाइट आधी रात के वक्त वो बुलाया गया था। 2023 के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा
एक जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो 1962 में बुलाया गया था जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी, उस वक्त की बात है। और बाकी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी एक विशेष सत्र बुलाया गया था। तो अमूमन तकरीबन मैं मेमोरीज चुकी बात कर रहा हूँ, इसलिए 9 या 10 विशेष सत्र बुलाए गए। अब प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि आखिर जब विशेष सत्र आपने बुलाया है तो उसका एजेंडा आप विपक्ष को से क्यों नहीं शेयर करना चाहते, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या कोई ऐसी चीज है जो सरकार छिपा रही है, क्या लोकतंत्र में सरकार छिपा सकती है, और वो भी तब जब विपक्ष पूछ भी रहा है, लगातार पूछ रहा है, चिट्ठी लिखकर पूछ रहा है, फिर भी नहीं बताया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, कौन सी राजनीति है, इससे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद अग्निहोत्री जी, साथ ही साथ प्रिया सहगल, विजय त्रिवेदी और राजेश महापात्र। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सब लोगों ने संसद कवर किया है और साथ ही साथ लंबा अनुभव पत्रकारिता में और संसद कवर करने। विनोद अग्निहोत्री जी, आपको समझ में आता है कि सरकार क्यों नहीं बता रही विशेष सत्र का जो एजेंडा है, क्या कारण आपको लग रहा है? आशुतोष जी, पहले तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये विशेष सत्र मनमोहन सिंह के समय बुलाया गया था, एक दिन का, अन्ना आंदोलन के दौरान, और जिसमें अन्ना आंदोलन को लेकर के प्रस्ताव भी पारित किया गया, पूरे दिन का सत्र था वो, तो उसको भी जोड़ लीजिए अपनी सूची में। क्योंकि देखिये, आमतौर पर जितने सत्र आपने गिनाए, इसमें कुछ सत्र तो ऐसे हैं जो हम लोगों की पत्रकारिता के कार्यकाल के दौरान ही बुलाए गए, और हम लोगों ने उसमें विजय भाई और हमारे राजेश भाई महापात्रा जी, प्रिया, हम लोगों ने कवर भी की। तो अभी तक जितने मेरी याददाश्त में जितने सत्र बुलाए गए, तो पहले ही खबर जो है आ जाती है, एजेंडा क्लियर हो जाता है कि किस मुद्दे पर सत्र बुलाया गया। खबर अखबारों में कैसे छपती थी, अन्ना आंदोलन को लेकर संसद का विशेष सत्र आहूत बुलाया जाएगा, इस तरह से खबर छपती थी। जीएसटी को लेकर के सरकार बुलाएगी संसद का विशेष सत्र, यानी पहले ही पब्लिक डोमेन में ये चीजें होती थी कि संसद के स्वर्ण जयंती वर्ष पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो ये पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक विमर्श में बात आ जाती थी कि विशेष सत्र का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, भले सरकार उसको आधिकारिक रूप से बाद में घोषित करे, लेकिन कम से कम अनौपचारिक रूप से पत्रकारों को और मीडिया को जानकारी मिल जाती थी, उसके आधार पर खबरें लिखी जाती थी, और कई बार सरकार अधिकारी को भी बता देती थी, संसदीय कार्य मंत्री घोषित कर देते थे इस पर हो रहा है। अब इस बार अजीब सी स्थिति है, पूरा सरप्राइज एलिमेंट जिसके लिए मोदी सरकार जानी जाती है कि अचानक बता दे, सामने लाना, अपने पत्ते खोलना, इस बार वो भी हो रहा है। अब कयास क्या लग रहे हैं, पहले लगा कि साहब एक देश एक मजबूर है ये बताने के लिए, या ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम बताएं आपको? देखिए, संवैधानिक रूप से या संसद के नियमों में नियम है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन परंपरा रही है कि बताया जाता, और आमतौर पर संसद और लोकतंत्र में जो लिखित संविधान होता है उसके साथ साथ परंपराओं का भी महत्व होता है। ब्रिटिश संविधान तो पूरा उसका आदेश आधा हिस्सा जो परंपराओं पर आधारित, तो ये परंपरा अब तक रही है कि संसद का विशेष सत्र, उसका एजेंडा क्या होगा, किस विषय में आहूत किया गया है, वो आमतौर पर सार्वजनिक कर दिया जाता है। और उसके पीछे एक व्यवहारिक कारण भी है, व्यवहारिक कारण ये है कि अगर आप पहले से बता देंगे तो जो सांसद है उस मुद्दे पर ज्यादा तैयारी करके आएंगे, वो बेहतर तरीके से विपक्ष भी अपनी तैयारी करेगा, सत्ता पक्ष भी तैयारी करेगा, जो और तमाम छोटे दलों के सांसद वो भी तैयारी करेंगे, तो सांसद चर्चा हो सकेगी। तो पहले से अगर आप एजेंडा बता देंगे और इशारा कर देंगे, अब एक अभी किसी ने कहा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो ये तय होता है ना कितने घंटे की चर्चा होगी, कौन किस समय होगा, कार्यवाही के संचालन कैसे होगा, ये सारी चीजें होती है। एजेंडा जो होता है और वो तो कैबिनेट में पहले पास होगा जिसपे, और जब कैबिनेट में पास होने के बाद संसद पे रखा जाएगा, पटल पे रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ये गोपनीयता क्यों बरत रही है, क्या कोई ऐसा गोपनीय मुद्दा है जो सरकार पहले साझा नहीं करना चाहती, या सिर्फ जनता को अंदाज लगाने के लिए वो छोड़ देना चाहती है कि आप अंदाज लगाइए जिसपे बुला रहे हैं, जिसपे बाद में चर्चा करेंगे कि तमाम कयास लग रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष का जो प्रश्न है, सोनिया गांधी की चिट्ठी है, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका एक सही कदम है, विपक्ष को भी
ये पूछने का अधिकार है कि भाई आप संसद को सत्र बुला रहे हैं तो क्यों बुला रहे हैं, क्या एजेंडा है बताइए तो सही। तो मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके उनसे पूछा है। अब इसमें प्रहलाद जोशी जी ने अपने तरीके से जवाब दे दिया, अब उनको क्या जवाब देना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।